विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मूर्ति मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन की ओ सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहत गणेश पांच देव रक्षा करे तो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वरविन मिले न सरस्वती गुरुविन मिले न ज्ञान कंठ बैठ मां सरस्वती हम धरे त्योहारो ज्ञान प्रथम सुमरि गुरु गणपति परम पिता जगदीश शंकर मंडन प्रेम से चरण नवाए शीश। तो सभी विद्वान श्रोताओं हमारी दूसरी पार्टी और सभी के लिए शंकर मंडल की तरफ से यथा योग्य प्रणाम। राम राम साहब। तो देखिए बाड़े खलबो चोर जुआरा जे लंपट पर धन पर दारा माने मात पिता ने देवा साधुन सन करवा में सेवा जिनके ये आचरण भवानी के जानो निश्चर सब प्राणी जे को विप्र धैन तुझ पावे नगर गांव पुर आग लगावे शुभ आचरण कतौ नहीं होई और वेद पुराण सुने नहीं कोई ये गादी तने मन चिंता व्यापी और हर बिन मरे न निश्चर पापी। तो विश्वामित्र जी रामपाल विश्वामित्र जी महाराज दशरथ जी के यहाँ आते हैं और राम लक्ष्मण को यज्ञ रक्षा के लिए मांग कर ले जाते हैं। रास्ते में अहिल्या उद्धार करके जनकपुर के बगीचे में पहुंच जाते हैं और उसी वक्त पर सीता जी गौरी पूजन के लिए आई। एक सखी गई और वो आकर सीता जी से कहने लगी कि हे सखी हे सीता मैंने बाग के अंदर गुरु विश्वामित्र जो है उनके साथ में दो राजकुमारों को देखा है। एक गौरवर्ण है दूसरे सांवले रंग के हैं। लेकिन तुलसीदास जी की चौपाई है कि गिरा न नयन नैन बिन पानी यानी सीता मैं इनके स्वरूप की महिमा कैसे आपको बताऊं जिन आंखों ने स्वरूप को देखा है उन आंखों के बाणी नहीं है और जिस बाणी से मैं आपको सुनाऊं उनके आंख नहीं थी। तो देखिए किस तरह से और सखियां क्या कहने लगी भैया चंद्रमुखी सा चेहरा चंद्रमुखी सा चेहरा बेटा हिरणी जैसी आंखें हिरणी जैसी आंखें आंखों से झलकता फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार चंद्रमुखी सा चेहरा हिरणी जैसी आंखें
देख हमें हर सामे दर्शन को अखियां तर सामे दर्शन ये छाई खुशी अपार चंद्रमुखी सा चेहरा हिरणी जैसे आंखें आंखों से झलकता प्यार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार कितने सुंदर दिल बोलिए सखिए कितने सुंदर दिल बोलिए सखिए कितने सुंदर दिल बोलिए आपके दर्शन हमको दिए हैं इन आके दर्शन बिदना ने सुनी हमारी है सब हंस रहे दे दे तारे सब हंस रहे दे दे तारे और चाई खुशी अपार ओ फुलवकिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ फुलवकिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ चंद्रमुखी सा चेहरा हिरणी जैसे आंखें हिरणी जैसे आंखें आंखों से झलकता प्यार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार मूरत मेरे दिल में बसी है के मन मूरत मेरे दिल में बसी है की मन मूरत मेरे दिल में बसी है इनके मन मूरत मेरे दिल में बसी है सीता के लायक कर सकी यही
आजे मात मनाओगे सको इनके प्यार चाओगे गौराजी मात मनाओगे संगो इनके प्यार चाओगे संग इनके प्यार चाओगे सीता के गले भरता फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ चंद्रमुखे सा चेहरा हिरणी जैसे आंखें हिरणी जैसे आंखें आंखों से झलकता प्यार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार ओ फूल बगिया में आए तो सुंदर राजकुमार देखिए ये 50 रुपए सेवा किए और धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होए कल्याण। हाँ तो मास्टर जी तारिया बढ़ा दे भैया तारिया बढ़ा दी ढोलक की भैया बजा बजा चांदी देख देख बड़ा आवाज तुम यार अंदर बंद कर दे भी सवा के लखैया इतरा में लखन दो भैया ओ जोरे आए हम जोरे आए सवा के लखैया जनकपुरी में हुए स्वयं मर देखन को सब आए जनकपुरी में हुए स्वयं मर देखन को सब आए जनकपुरी में हुए स्वयं मर देखन को सब आए ओ विश्वामित्र मुनि के संग में राम लखन दो धाये ओ विश्वामित्र मुनि के संग में राम लखन दो धाये ओ विश्वामित्र मुनि के संग में राम लखन दो धाये मने पुलके ओ मने पुलके रही दो भैया ते राम लखन दो भैया ओ जोरे आए हम जोरे आए सवा के लखैया एक राम लखन दो भैया ओ जोरे आए जोरे आए हम जोरे आए सवा के लखैया एक राम लखन दो भैया ओ बड़े बड़े राजा महाराजा धीर वीर नर आए ओ बड़े बड़े राजा महाराजा धीर वीर नर आए ओ बड़े बड़े राजा महाराजा धीर वीर नर आए बड़े बड़े राजा महाराजा धीर वीर नर आए ओ शिव जी को ये धनुष सभा में तोड़ कोई न पाए ओ शिव जी को ये धनुष सभा में तोड़ कोई न पाए ओ शिव जी को ये धनुष सभा में तोड़ कोई न पाए ओ शिव जी को ये धनुष सभा में तोड़ कोई न पाए सब हार गए ओ सब हार गए तोरे करैया तेरा लखन दो भैया ओ जोरे आए हमें जोरे आए सभा के लखैया एक राम लखन दो भैया ओ जोरे आए अब जोरे आए सवा
ओहो जोरे आए हमे जोरे आए सभा के लखिया एक राम लखन दो भैया रावड़ो सभा में सबरे भूप सना को खायो सभा में सबरे भूप सना को खायो सबरे भूप सना को खायो ओ सबरे जोर करे रावण ने उठा धनुष ना पायो ओ सबरे जोर करे रावण ने उठा धनुष ना पायो ओ जोरे आए हमे जोरे आए सभा के लखिया एक राम लखन दो भैया जोरे आए हमे जोरे आए सवा के लखिया एक राम लखन दो भैया। तो देखिए तुलसीदास जी की चौपाई के हिसाब से क्योंकि रावण और बाणासुर इन दोनों का जो गुरु का धनुष था शिव जी का तो रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल वीर कर दापा। तो जनक जी आते हैं और वो कहने लगे कि मैंने मेरा प्रण करके और संसार में मेरी हंसी कराई क्योंकि मेरी पुत्री कुआरी रह गई। वीर विहीन मही में जानी यानी ये पृथ्वी वीरों से खाली खाली है। जब ये शब्द कालिया नाग से अवतार लक्ष्मण जी ने सुना तो कारे नाग में अगर कोई चोट मार दे तो उसकी क्या हालत होगी। तो एकदम लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के कहने लगे राजा जनक से हेमराज किस तरह से भैया अरे हो राजा जनक जिभ्या पे लगा ले जा अरे जिभ्या पे लगा ले जा Yeah.
ग्रहण कर देते हैं। इधर झरे में कूड़ा फैल रहा भैया, परशुराम जी आ जाते हैं, तो जैसे ही शिव जी के धनुष के दो टुकड़े देखे तो हेमराज भैया बाबूलाल मास्टर जी मोर राजा मोणमती समझा दे थोड़ा है, ये धन बम भोले का किसने तोड़ा है। किसने अपराध किया क्यों खोटा काम किया, किसने अपराध किया क्यों खोटा काम किया, किसने अपराध किया क्यों खोटा काम किया। व्रत को उसने अपने सिर धार लिया, व्रत को उसने अपने सिर धार लिया, निज व्रत को उसने अपने सिर धार लिया। धनवा बोले का हाँ किसने तोड़ा है, मेरा फरसा डोल रहा अपना मुंह खोल रहा, मेरा फरसा डोल रहा अपना मुंह खोल रहा, मेरा फरसा डोल रहा अपना मुंह खोल रहा, मेरा फरसा डोल रहा अपना मुंह खोल रहा। मन के शक्ति को पल पल में तोल रहा, ओ तस मन की शक्ति को पल पल में तोल रहा, तस मन के शक्ति को पल पल में तोल रहा। अब तक इस भर से ने, अब तक इस भर से ने, अब तक इस भर से ने चातू ना छोड़ा है, किसने तोड़ा है।
छत्र कर देनी बिन छत्र कर देनी धरती गिरवी कीनी बिन छत्र कर देनी धरती गिरवी कीनी बिन छत्र कर देनी किस बार मैंने मैं तो गोदान देनी किस बार मैंने दान देनी किस बार मैंने बेपो को दान देनी किस बार मैंने बेपो को दान देनी ना किसी गुमानी को ऐसे गुमानी को ना किसी गुमानी को मैंने अब तक छोड़ा देखिए परशुराम कहने लगा कि मैंने क्षत्रियों से बेहन पृथ्वी करके 21 बार पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी। जब इतना सुना तो एकदम शेष अवतार फिर तमक उठे कैसे जी? क्या कहने लगे भैया मुनीम जी ये 100 रुपए 100 रुपए डायरेक्टर सहदेव बेटा शंकर मंडल के लिए पुरस्कार दे रहे हैं धन्यवाद। और भैया बाबूलाल मास्टर जी अरे क्यों फटियो बाबरे जावे बाबा जी रोक ना खावे ना बाबा कहीं ना महाराज जी कहीं सुदम सट बाबा अरे क्यों फटियो बाबरे जावे मान भांग कर राय क्यों ने कौ खोप न खाए रहो कहे जी बेहटो का खावे बाबा जी रोक न खावे अरे क्यों फटो बाबरे जावे बाबा जी रोक न खावे अरे क्यों फटो बाबरे जावे बाबा जी रोक न खावे अरे क्यों फटो बाबरे जावे बाबा जी रोक न खावे ओ छात्र न कर दई धरती पीर नहीं वो साचे थे ओ छात्र न कर दई पृथ्वी पीर नहीं वो साचे थे कौन से ज्यादा पीर बलि तो एक उनके बचे थे ओ उनसे ज्यादा पीर बलि तो देख उनके बचे थे खावे अरे क्यों पटो बाबरे जावे बाबा जी रोक न खावे अरे क्यों पटो बाबरे जावे बाबा जी रोक न खावे ए बाबा तू का समझ रहो यहाँ कोई छुई मुई के पेड़ ना है जब मैं कोमरिया दिखा दे और वे मुरझा जाए अच्छा छुई मुई के पेड़ नहीं अब देखे उंगरिया मुरझा छोए मोए के पेड़ नहीं वो देखे उमरिया मुरझा में
को ये हाथ काटवा दूंगा।